आज के मुहूर्त के बारे में बताइए। वेल, ये फिल्म का मुहूर्त है एंड मैं अभी फ्लाई करके यहाँ पे आई हूँ इस फिल्म के लिए। सो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा एंड सबको यहाँ पे देख के एंड इट्स गोना बी इट्स अ वेरी गुड फिल्म, दो स्टोरी वगैरह, तो एक्साइटमेंट फुल है एंड या आई मीन गेटिंग टू नो कपल ऑफ थिंग्स अबाउट द स्टोरी। आपका किस तरह का रोल है इस फिल्म में? वेल, मैं एक डॉक्टर का किरदार निभा रही हूँ इस फिल्म के अंदर। थ्रिलर स्टोरी है, बहुत से शेड्स हैं इसको, मैं लाइक रोमांटिक एंड इमोशनल थ्रिलर वगैरह, सो बहुत कुछ प्ले करने को है, बहुत कुछ सीखने को भी है, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट डेफिनेटली। ये आपकी पहली फिल्म है? दिस इज नॉट माई फर्स्ट फिल्म, मैंने साउथ में फिल्में की हैं विजय के साथ इन तमिल एंड मोहनलाल से इन पेरुचारी मलयालम में एंड तेलुगु फिल्म कम्पीट करा है मैंने अभी एंड दिस इज या हिंदी फर्स्ट या। कैसा लग रहा है कि वेटरन एक्टर परीक्षित संचाल ऑफ फिल्म के? ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम एंड बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं, सो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा तो नथिंग लाइक इट। आई हैव बीन लकी कि मुझे आज तक जितनी भी स्टार कास्ट मिली है अपनी फिल्म में सब वेल डेवलप्ड एक्टर्स हैं, तो यस आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एंड इट्स ऑलवेज गुड फॉर मी एज वेल एज एन एक्टर। Hi, my name is Raj Thakur. I'm basically an actor from Australia. Trained in theatre acting from there. And I've done few theater shows और यहाँ पर मैंने शाम सर के साथ theater shows बॉम्बे में already दो कर चुका हूँ and this is going to be my first feature film और इसमें I'm playing a character of the Suraj who basically fights for the people और मेरी बस सभी लोगों से यही request या प्रार्थना समझ लीजिए कि आप लोगों का प्यार और साथ मिलेगा तो मुझ जैसे एक छोटे से बच्चे को इस बॉलीवुड में खेलने का मौका मिलेगा। विराज, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बी इन बॉलीवुड कमिंग फ्रॉम ओवरसीज? भाई, दिल तो हिंदुस्तानी रहता है, दिल कभी नहीं बदलता। एट हार्ट यू आर ऑलवेज इंडियन, नो मैटर वेयर यू गो एंड यू ऑलवेज स्टे इंडियन। तो दैट वाज द वन रीजन दैट आई चूज टू कम बैक टू इंडिया एंड आई एम गोइंग टू बी इन इंडिया। थिएटर्स और फिल्म दोनों अलग अलग चीज़ें, तो कैसे निभाएंगे आप? भाई, एक्टर हैं, सब कुछ निभाएंगे, तो बाकी जैसे बड़ों का आशीर्वाद रहा और लोगों ने प्यार दिया और श्याम सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गाइड करते हैं और ऊपर वाले का अगर सिर पे हाथ है तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में रोक नहीं सकती। कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? कैरेक्टर के बारे में तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ही फाइट्स फॉर द पीपल। बाकी जब आप लोग मूवी देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। श्याम जी, आप बताइए। मैं श्याम भंसरिया हूँ, स्पंदन थिएटर से हूँ। राज हमारे स्पंदन थिएटर का बहुत आलिशान एक्टर है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे परिषद सानी जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं हाल ही बोले इंडिया जय भीम नाम के पिक्चर करके अभी लौट रहा हूँ, उसमें मेरा बाबा साहेब अम्बेडकर का रोल है, तो वो बड़ा ही सीरियस कैरेक्टर था। बाबा साहेब अम्बेडकर का मतलब जो एपिक है वैसे है एंड इसमें मैं कॉमिक विलेन प्ले कर रहा हूँ, तो इट्स 360 डिग्री चेंज। अच्छा लग रहा है, कहाँ एक जगह सीरियस रोल है और कहाँ एक जगह धतिंगबाजी है, कॉमेडी है, फन है। एंड इस मूवी के बारे में, सटायर्स में आज तक कॉमेडी बनी है, सटायर्स में दूसरे हुए हैं, थ्रिलर्स नहीं है, तो आई फील दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड। अपने आप में एक बहुत आलिशान मूवी बनेगी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है एंड आई 100% श्योर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे बीच में। थैंक यू वेरी मच। समीर जी, डायरेक्टर कैसा लग रहा है आपको? सबीर जी बिल्कुल डायरेक्टर जैसे नहीं, ही इज़ अ वेरी मच इज अ बडी। वो जैसे बात करते हैं, मैं डायरेक्टर जैसा फील नहीं आता एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। सेट पे मुझे लगता है वो बहुत कंफर्ट जोन क्रिएट करेंगे जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी एंड जो एस्टेब्लिश्ड हैं उनके लिए भी, सो बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट हिंदी फिल्म, थोड़ा टेंशन भी रहता है लेकिन सबका हेल्प रहे तो टेंशन खत्म हो जाता है एंड हैप्पी मोमेंट ऑल्सो। और कुछ इस फिल्म को बनाने के पीछे क्या एग्जैक्टली? देयर आर सम सर्टेन सोशल इश्यूज आर देयर, आई विल नॉट रिवील नाउ, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ थ्रिल, इट हैज़ रोमांटिक एंगल्स, एवरीथिंग इज देयर। मतलब जो एक फिल्म में होना चाहिए वो है, मतलब फैमिली, होल फैमिली विल सी द फिल्म। समीर जी, स्टार कास्ट का बताइए कि किस तरह से आपने चुनाव किया स्टार कास्ट? मैं कलकत्ता से हूँ तो वहाँ पे जो है अंजन चौधरी, सतीश रे, इन लोग का स्कूल में, सतीश रे का स्कूल में पढ़ा हूँ, अंजन चौधरी का वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग किया है, तो हम लोग स्केच वगैरह जो है स्केच करते करते कैरेक्टर्स मैंने ड्रॉ किया है कि ये कैरेक्टर यहाँ पे जाएगा,
ये कैरेक्टर यहाँ पे जाएगा. दे आर मोस्ट हम लोग का जो कहते हैं सेलेब्स आर देयर. आई एम नॉट ओपनिंग द नेम्स नाउ. इन माई नेक्स्ट प्रेस मीट आई विल टेल द नेम्स. दे आर मेनी मोर. सर आप बताइए कि मेरा एक कैरेक्टर है नवाब का एंड मैं इसमें मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. एंड बाकी तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ गाय आई एम. या आफ्टर यू नो आफ्टर द हार्ड वर्क यू नो काफ़ी स्ट्रगल किया है मैंने एंड फाइनली आई गॉट दिस मूवी एंड दिस इज़ माई डेब्यूट माई फर्स्ट मूवी. क्या तैयारी की आपने इस रोल के लिए? इसके लिए काफ़ी मुझे मुश्किल पड़ी क्योंकि एक मुस्लिम कैरेक्टर करना इट्स नॉट ईजी. काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एंड कभी कुछ गलत भी नहीं बोलना सकते बोल नहीं सकते कुछ भी यू नो. सो उसके लिए काफ़ी मैंने रिहर्सल्स करी काफ़ी जो करते हैं एक्टिंग के लिए काफ़ी कुछ किया. सभी के साथ काम करते कैसा लगा? जी ये हमारे काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं काफ़ी काम एंड इनके साथ मज़ा आता है काफ़ी काम करने में. ही इज़ रियली गुड गाय एंड इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है. ओके हाँ मेरे लिए क्योंकि मैं पहली बार मतलब मुंबई में काम कर रही हूँ फिल्म में साथ में काम करी तो बहुत एक्साइटेड हूँ. क्या कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है एक लॉयर का जो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है और इसका दो शेड है एक 6 साल पहले का और एक 6 साल बाद का. तो मैं तो इतना तक बता पाऊँगी क्योंकि ये थ्रिलर है. मैं सारी बातें अगर बता दूँ आपको तो किस तरह की कोई तैयारी की आपने इस रोल के लिए? थोड़ा बहुत तैयारी करना पड़ता है क्योंकि लॉयर थोड़ा अलग टाइप की मतलब मैं अभी तक लॉयर का कैरेक्टर नहीं किया कभी भी. इससे पहले मैं रीजनल फिल्म किया है बंगाली पर फर्स्ट टाइम हिंदी कर रही हूँ और थोड़ा बहुत तैयारी किया है हेल्प किया है यहाँ पे वर्कशॉप करने के लिए शोभिक दा ने हेल्प किया है फिर मेरे डायरेक्टर ने हेल्प किया है तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया है. शोभिक जी आप भी बताइए इस फिल्म के बारे में. दिस इज द फर्स्ट फिल्म ऑफ समीर. आई विश हिम ऑल द बेस्ट. इट्स अ थ्रिलर कम रोमांटिक मूवी. So I cannot divulge the story in front of the audience. So all I can say, wish us luck, wish us all the best, that this film should succeed in the days to come. आपने किरदार के बारे में बताया? ये lawyer का public prosecutor का किरदार है. ऐसे हम लोग दुश्मन हैं, पर अभी दो. We are the pole opposite. उनके साथ मेरा संघर्ष होगा. ये फिल्म में दिखाया जाएगा. किस लिए संघर्ष वो राज की बात है देख लेते हैं. और समीर का ये फिल्म का नाम मेरे को बहुत अच्छा लगा चल अकेला रे. ऑल वी कैन से इज दैट एवरीबडी वर्क्स हिज ओन पाथ एंड अलोन. सो दैट वे इट्स अ फिलोसॉफिकल नेम वेरी नाइस नेम टू से. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.